वैलेंटाइन डे। तो चलिए आज कुछ इस वैलेंटाइन डे के अंदर इस वीक में ऐसा होता है कि निब्बी और निब्बा का दोनों का मिलन होता है और निब्बी अपने निब्बा से जैसे कि अपना निब्बा लंच शक्ल जैसे निब्बा से गिफ्ट लेते हैं दोस्तों। और साथ में ऐसा चुतियागड़ी होता है, प्रपोज डे, हग डे, लव डे, किस डे, फीस डे, ऐसा ही चुतियागड़ी होता है। सबसे पहले चुतियागड़ी वो है कि रोज डे। ये दिन में ऐसा होता है कि निब्बी अपने निब्बा को रोज देते हैं, निब्बा अपने निब्बी को रोज देते हैं और निब्बी अपने यो निब्बा से रोज लेकर वो मुस्कुरा कर चली जाती है। लेकिन ये चीज आपने नोटिस की कि निर्मला, प्रियंका, सनी लियोनी को गुलाब दे दिया जाता है, लेकिन चुतियापन तब शुरू होता है जिसमें भी सब कैटेगरी होते हैं। अगर तुम लाल फूल लोगे तो तुम्हें उसके साथ प्यार करना है, अगर तुम व्हाइट फूल लोगे तो उसके साथ फ्रेंडशिप करना है, अगर तुम व्हाइट फूल लोगे और पर्पल फूल लोगे तो ये करना है, ये करना है। साला बेंचो, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाइट फूल और पर्पल फूल के अंदर क्या डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन है, मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन निब्बा और निब्बी को अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा फूल का मीनिंग डेफिनेशन क्या है और मुझे अपना मोबाइल का नंबर ठीक तरीके से याद नहीं रहता, लेकिन निब्बा और निब्बी को अच्छी तरीके पता है कि कौन सा फूल का मीनिंग क्या है, कौन सा फूल देने से क्या होता है, कौन सा फूल देने से प्यार होता है, कौन सा फूल देने से लव होता है, कौन सा फूल देने से ब्रेकअप होता है, कौन सा फूल देने से। और अभी आता है निब्बा प्लानिंग बनाता है कि निब्बी के सामने जाए कैसे, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा है कि लंच जैसा लगता है। उसका चेहरा देखकर निब्बी डर जाएगा कि उसका चेहरा इतना भूत जैसा शक्ल जैसा है। तो निब्बा प्लानिंग करेगा कि वो फेस में क्या लगाएगा गोरे होने के लिए। तो एक चीज है जैसे कि फाउंडेशन लगाकर जाए और बाद में फेस क्रीम लगाकर जाए और थोड़ा हैंडसम लगाकर जाए। जैसे कि निब्बी के सामने जब जाएगा तो निब्बी बोलेगा, वाओ बाबू, आप इतना हैंडसम लग रहे हो। और निब्बा अपने फ्रेंड्स से अच्छे सा सनग्लास लेगा, सनग्लास लेने के बाद अच्छे से डीएसएलआर लेगा और डीएसएलआर लेने के बाद अच्छे सा केटीएम बाइक लेगा जिसमें 100 रुपये का पेट्रोल बढ़ाकर अपने फ्रेंड से उधार लेगा। उधार लेने के बाद अपने निब्बी के साथ मस्त एंट्री मारेगा, तुम मचा ले चिकन पका ले, ऐसा एंट्री मारेगा और निब्बी के सामने मस्त स्टाइल करेगा। लेकिन निब्बी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन एक बात है कि निब्बा का शक्ल लेकर इम्प्रेस नहीं होता, पर के साथ जो है चश्मा, डीएसएलआर कैमरा और इसके साथ है केटीएम बाइक, वो देखकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि निब्बा का शक्ल ऐसा है कि इम्प्रेस होने का लायक नहीं है। लेकिन उसके साथ जो है केटीएम बाइक भाड़ा लेकर आया है, यो डीएसएलआर कैमरा है, यो अच्छा सा सनग्लास है जैसे कि हनी सिंह जैसा, वो ही देखकर इम्प्रेस हो गया है निब्बी। तो प्रपोज कैसे करोगे? क्या आपके पास कोई चांस है? हाँ, एक तो चांस है, फूल लेकर बोलोगे, जानू आई लव यू। अरे भैया, ये सब पुराना हो चुका है, अभी थोड़ी देर ये चलता है। तो प्रपोज कैसे करना है? डीजे मृणाल का स्टाइल देखो, ऐसा प्रपोज करना चाहिए। तो ये सब आपको अपने गर्लफ्रेंड के सामने, अपने मेहबूब के सामने, अपने निब्बी के सामने बोलना पड़ेगा कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए कब गले लगाएगी तू, मुट मुट मार दे मैं थकाया हूँ मैं, चलिया तू चलिया। तो सबसे महा चुतिया डे है वो है चॉकलेट डे। इसमें आपका दोस्त 10 रुपए का बिमोल पैकेट के अंदर से थोड़ा सा अंक देने में आपके साथ कंजूसी करेगा, लेकिन वो अपने मेहुआ को 500 रुपए का चॉकलेट दे देगा। इसमें कोई कंजूसी नहीं करेगा। साला हर एक दोस्त चुतिया होता है, लेकिन उनका भी एक दिन जरूर काटता है, जरूर मीन्स जरूर काटता है। तो अब आता है सबसे महाचुतिया दिन, सबसे गवार दिन, टेडी डे। टेडी डे क्यों जरूरत है आपको? हमको ही ले लो, हमको लेकर पूरे दिन खेल लो, टेडी बियर देने का क्या जरूरत है? उल्टा टाइम पास, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। तो टेडी बियर दे क्यों? हमको ही लेकर चले जाओ अपने घर में। तो अब आता है हक डे एंड किस डे। वेट, हक डे के बाद किस डे? ये किसने इन्वेंट किया है साले बेंचो? जब आप हक करोगे अपने मेहुआ को तो किस देना पड़ेगा, और साथ में जब आप मेहुआ को किस दोगे तो आप डेफिनेटली हक ही करोगी। तो हक दे और किस दे अलग क्यों बेंचो? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब आता है लव डे यानी वैलेंटाइन डे। आपको पता नहीं इसमें क्या होता है, आपको नहीं पता इसमें क्या होता है। सच में बहुत चूतिया होता है। रोज डे, किस डे, हक डे, प्रोमिस डे और इसके बाद आपका कच्चा है यानी आपका। तो इससे अच्छा डायरेक्ट शादी कर लो। क्या बेकार में वैलेंटाइन डे में अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? शादी कर ले जाकर वैलेंटाइन में अपना बाप का पैसा क्यों खर्च कर रहा है बेटा। तो दोस्तों आज का चुतियापा यही पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। यो यो, इसी में रैप पर पुच 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 पुच।